लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में मेट्रो रेलवे का निर्माण कर रही सिडकों की उदासीनता के कारण 200 मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि सिडको और उसके नियुक्त ठेकेदार सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उसके 200 से अधिक मजदूरों का वेतन वर्ष 2017 से नहीं भुगतान किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आर्थिक संकट में फंसे ये कामगार 22 महीनों से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए रिपोर्ट। कि आज उनकी आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे को बोलेंगे तो वो नाके से काम करके इधर उधर जो भी उनकी रोजी रोटी है चला रहे, लेकिन आज तो कोई कॉन्ट्रैक्टर फिर से स्टैंड नहीं होता है। आज छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके 115 मजदूर कामगारों को वेतन नहीं मिला है, कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ी तानाशाही है। नवी मुंबई मेट्रो के निर्माण में अपना खून पसीना बहा चुके तकरीबन 200 मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं। हालत यह है कि 22 महीनों से अपना 3 सालों का बकाया वेतन मांग रहे इन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। इन मजदूरों का हक दिलाने में जुटे ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी मजदूर सिडको द्वारा नियुक्त सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन खारघर में मेट्रो निर्माण का काम करते थे। 2015 से लेकर 2017 तक 3 सालों तक उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, लेकिन सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और सिडको ने उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि चूंकि सिडको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसलिए उसे मजदूरों का वेतन देना चाहिए, लेकिन 22 महीनों से वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। खारघर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तरफ पर सिडको प्रशासन है, उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर थे सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जो कि उन्होंने एक जेबी फॉर्म बनाया था जिसमें 3 कंपनियों को जोड़ा था, संजोष महावीर सुप्रीम कॉन्सेंटियम करके। तो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेड के अंदर जो ये 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके 115 मजदूर कामगारों को वेतन नहीं मिला है। सिडको ने तो काम वर्क ऑर्डर अपना टेंडर इशू किया है संजोष महावीर के नाम से, और इनके साइड पे काम कराया जा रहा है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ये जो 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनको वर्क ऑर्डर बिल सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मिलता था, इनको पेमेंट, इनके अकाउंट डिटेल चेक किए गए तो बैंक स्टेटमेंट शो करता है कि इनको पेमेंट संजोष महावीर के नाम से मिलता है, और जबकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इस विषय पर हमने कामगार उपायुक्त कार्यालय रायगढ़ का जो उपायुक्त कार्यालय खांदा कॉलोनी में, वहाँ पर भी हमने अर्जी डाला हुआ है, वहाँ पर काफ़ी हेयरिंग चली है। कामगार आयुक्त के 2 ऑर्डर्स भी इशू हुए कि सिडको की जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पे है, तो उनका जो एक्ट बना है BOC 1996 का BOC एक्ट है, जिसके तहत कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर साइट पर ऐसी कोई घटना होती है तो जवाबदार होता है, लेकिन वो एक्ट के तहत जो सिडको प्रशासन की जवाबदारियाँ हैं वो लेने के लिए वो तैयार नहीं। एसोसिएशन की माने तो सिडको ने मेट्रो विकास के लिए जिस सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके अधीन सिद्धि इंटरप्राइजेस, सैदूर कंस्ट्रक्शन, नेताई जाना, मुकेश कंस्ट्रक्शन जैसे कुल 8 वेंडर ठेकेदार कार्यरत थे, जहां 115 लिस्टेड मजदूर जबकि 100 के करीब अनलिस्टेड मजदूर काम करते थे। इन ठेकेदारों में बाबू नागेंद्रम राम आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर चुका है, जबकि कईयों कामगारों की हालत नाजुक है। फिर भी सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बकाया देने को तैयार नहीं है। इस बारे में जब सिडको अधिकारियों से संपर्क किया गया तो वे बोलने को तैयार नहीं थे। हालांकि इस पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कहा कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे मेट्रो के खिलाफ आंदोलन करेंगे और काम रोकेंगे। उनके आज उनकी आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे को बोलेंगे तो वो नाके से काम करके इधर उधर जो भी उनकी रोजी रोटी है चला रहे, लेकिन आज तो कोई कॉन्ट्रैक्टर फिर से स्टैंड नहीं हो पाए। आज भी उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। उस आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण एक कॉन्ट्रैक्टर का हार्ट अटैक भी हुआ, और वो बोल रहे थे कि आत्महत्या के तौर पर ही हुआ एक तरह का, क्योंकि जब इस सिडको ने सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया
तो टर्मिनेट करते समय तो उसने वजह नहीं बताया कि क्यों टर्मिनेट करी, इमिडिएटली उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो जो भी रनिंग बिल थे उनके, जो काम करते आ रहे थे लोग, कई लोगों के तो बिल ही नहीं बने। हमारे पास तो सारे एविडेंस हैं, क्योंकि उन सारे कॉन्ट्रेक्टर के वर्क ऑर्डर्स बिल हमारे पास एविडेंस के तौर पर मौजूद हैं, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दिए गए हैं, उन पर साइड सीटकों के जो साइड इंचार्ज आते थे उनके भी सिग्नेचर्स हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि इनके सामने ये 3 साल वर्कर काम किए हैं और उसके बावजूद भी सिडको अगर मानने के लिए तैयार नहीं है। टर्मिनेट करते समय सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खुद कोर्ट में जाती है और बोलती है कि हमारे छोटे कॉन्ट्रेक्टर और मजदूर लोगों का, कामगार लोग का आप इस तरह से टर्मिनेट कर रहे हो, तो बिल या पगार नहीं दे पा रहे हैं। तो हाई कोर्ट उनको 6 महीने का मुद्दत और बढ़ा के दी हुई है, ये इन राइटिंग सिडको के ही लेटर पर है। तो 6 महीने का मुद्दत बढ़ा के उनको दिया और उसके बावजूद भी 6 महीने दिन रात काम किए वही कॉन्ट्रेक्टर, वही मजदूर कामगार, और एक इस्क्रो अकाउंट का निर्माण करने का हाईकोर्ट का आदेश है। जो इस्क्रो अकाउंट में 6 महीने का जो उनका बिलिंग था प्लस 10 करोड़ रुपए जो पहले का उनका बिलिंग था वो इस्क्रो अकाउंट में डालने का इनके लेटर हेड पे बाकायदे उन्होंने पुलिस आयुक्त को, कामगार आयुक्त को और हमारे एसोसिएशन को भी दिया हुआ लिखित तौर पर। तो ये शो करता है कि ऐसे आदेश के बावजूद भी 6 महीने सिडको ने काम कराया और फिर उनके जो 10 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, 6 महीने का बिल भी खा गई हो। अगला स्टेप है कि हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन अभी मैदान में उतर चुकी है और हमने जो 21 तारीख का धरने आंदोलन का बिना परवानगी का हमने अल्टीमेशन दिया हुआ शासन प्रशासन को और हम उनको न्याय दिलाएंगे इस शैली को लेकर हम उतर रहे हैं, चाहे हमको प्रशासन से कुछ भी करना पड़े लेकिन हम उनको न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।